ये कैसे किया है आज, जैसे आज के इस, इसका उत्तर है कि भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये हैं महाव्याहृतियाँ, इनका नाम है महाव्याहृति। तो व्याहृति का अर्थ होता है कि शब्द तो है छोटा सा, अर्थ है अनेक, जहाँ एक छोटे से शब्द के अनेक अर्थ हों उसको व्याहृति कहते हैं। तो किसी छोटे शब्द के चार अर्थ हैं, पांच अर्थ हैं, उसको व्याहृति बोल देंगे, और किसी छोटे शब्द के आठ दस अर्थ हैं तो महाव्याहृति कह देंगे। तो अब उस शब्द के कितने कितने क्या क्या अर्थ हैं, इस बात को तो ऋषि समाधि में बैठ के जान सकते हैं, हर एक की बस की नहीं है। तो ये महर्षि दयानंद जी ऋषि हैं, इन्होंने समाधि में बैठ कर देखा कि भू का अर्थ कर्मकांड भी है, भू का अर्थ उपासना कांड भी है, और स्वः का अर्थ ज्ञान कांड भी है। तो उन्होंने वो अर्थ कर दिया। वो ऋषि समाधि में ऋषि अपनी बुद्धि से ईश्वर से पढ़ करके वैसा अर्थ बताते हैं। तो यहाँ वेद भाष्य में महर्षि जी ने ये अर्थ कर दिए, और वहाँ संस्कार विधि में वो अर्थ कर दिए जो आपने पहले बताए। तो इस तरह से अनेक अर्थ हो सकते हैं शब्दों के, और उसका निर्णय तो ऋषि ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्द आह तद अस्माकं प्रमाणम, महाभाष्यकार ने लिखा ही कि हम शब्द प्रमाण को मानते हैं। शब्द प्रमाण क्या है, आप तो उपदेश शब्द, तो ऋषि आप्त हैं, वो जो कहेंगे हमको मान्य है। और रही बात क्रम की, तो मैंने दो क्रम बताए थे, पाठक्रम और अर्थक्रम। तो ये पाठक्रम है, पहले कर्म का नाम ले दिया, फिर उपासना का नाम ले दिया, फिर ज्ञान का ले दिया। तो वक्ता बोलने में स्वतंत्र है, वो पाठक्रम से भी बोल सकता है, अर्थक्रम से भी बोल सकता है। इन शास्त्रों को समझने के लिए, भाषा विज्ञान को समझने के लिए मीमांसा दर्शन में लगभग 1000 नियम लिखे हैं। हाँ देशराज जी, कितने? 1000। आपने कहाँ पढ़े, इसलिए आपको पता नहीं चलता। फिर आप कहते हैं साहब ये टांगों को क्यों छोड़ दिया ये काम क्यों छोड़ दिया, ये बात तो पता ही नहीं। उसमें 1000 कानून लिखे हैं, जिससे भाषा विज्ञान का अर्थ समझ में आता है कि यहाँ किस वाक्य का क्या अर्थ किया जाए। तो वो मीमांसा पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये अर्थ ठीक किया ऋषियों ने, जो किया वो ठीक है, हमको पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये अशोक वाटिका न्याय भी वहीं से ही निकला है। एक गुणाक्षर न्याय है, एक शाखा चंद्र न्याय है, ऐसे 1000 कानून है जी।